14 वर्ष का वनवास काटकर जब राम कार्तिक अमावस की एक काली अंधेरी रात अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे थे तो वहां लोगों ने घी के इतने दिए जलाए थे कि अंधकार का एक अंश भी बाकी नहीं रहा था। उस रात का प्रकाश स्वर्ग की चमक को भी मात दे रहा था और आज हजारों वर्ष बाद भी हर भारतवासी राम का उसी तरह से इंतजार करता है। अपने घर आंगन रोशन करते हैं, जश्न मनाते हैं और राम का ये वनवास भले ही 14 वर्ष में पूरा हो गया था और वो रावण का वध कर वापस अयोध्या अपने महल लौट आए थे, लेकिन कलयुग यही तो है कि हिंदुस्तान के रोम रोम में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम करीब 500 वर्षों तक अपने महल, अपने घर आंगन में लौटने का इंतजार करते रहे। शायद ये राम भी नहीं जानते रहे होंगे कि कलयुग में उनका वनवास इतना लंबा, इतना सियासी और इतना सांप्रदायिक हो जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वर्ष 1528 में अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को ढहा दिया था और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद तामीर कर दी। ये मस्जिद मुगल आक्रांताओं की उसी नीति का नतीजा था जो वो पूरे देश में हिंदू मंदिरों के साथ कर रहे थे और इस मध्ययुगीन मुस्लिम आक्रांताओं के दौर में हिंदुओं और हिंदू धर्म से जुड़े बड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया गया था और अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर भी इससे बच नहीं पाया। हालांकि राम अपनी जगह वापस लौट सकें इसकी कोशिशें भी जारी रहीं। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1853 में इसी स्थान पर जब राम लला को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की गई तो सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसके बाद वर्ष 1859 में इस स्थान पर तब की ब्रिटिश सरकार ने तारबंदी करते हुए इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया। हालांकि तब इस परिसर के अंदर का हिस्सा मुसलमान इस्तेमाल करते थे जबकि बाहर हिंदुओं को पूजा की इजाजत थी। करीब 90 वर्ष बाद यानी वर्ष 1949 में मंदिर परिसर के अंदर राम, सीता और हनुमान की प्रतिमाएं रखी मिली। इसके बाद लगातार मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किए जाते रहे। 6 दिसंबर वर्ष 1992 को भीड़ ने विवादित ढांचे को ढहा दिया और इस घटना का पूरे देश में बड़ा असर भी पड़ा। बाद में मामले की जांच के लिए लिब्राहम आयोग बनाया गया जिसने करीब 17 वर्ष के बाद 30 जून वर्ष 2009 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को सौंपी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने वर्ष 2010 में एक बड़ा फैसला सुनाया और परिसर के 3 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से हिंदू पक्ष को दे दिए गए और 1 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, लेकिन दोनों ही पक्ष इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लेने की सलाह दी, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम मंदिर परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप दिया, जिसके बाद वहां राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट का फैसला आने के बाद 5 अगस्त वर्ष 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। यानी करीब 500 वर्षों का वनवास काटने के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने उसी आंगन लौटने वाले हैं जहां उनकी बाल लीलाओं का जिक्र कवि गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, यानी इस बात का जिक्र किया गया था। और अब हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि रामलला का मंदिर कैसा दिखने वाला है और उसकी भव्यता कैसी होगी, और आपको ये रूप जल्द दिखाई दे और राम अपने महल में विराजमान हो सके, इसके लिए सैकड़ों मजदूर कारीगर दिन रात मंदिर निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। गर्भगृह के चबूतरों का निर्माण हो चुका है और आपको वैसी ही तस्वीरें अब हम दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अब तक आप देख नहीं पाए होंगे, इसलिए हमने, हमारी टीम ने वहां पहुंचकर इन तस्वीरों को आपके लिए कैप्चर किया। अब आपको उस अयोध्या के दर्शन करवाएंगे जो अपने राम के स्वागत में दुल्हन की तरह सजी है। कार्तिक की इस अमावस की रात का अंधेरा मिटाने 100, 200 या 1000 नहीं, अयोध्या में 40 लाख दिए भी जगमगाएंगे और इनमें 15 लाख दिए तो सिर्फ सरयू किनारे राम की पौड़ी पर प्रकाशित होंगे और ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड होगा। यानी मंदिर परिसर के दर्शन कराएं उससे पहले जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं।
और इस पल का साक्षी बनने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचेंगे और इसलिए दीपोत्सव और भी खास बन गया है। और इसलिए अगर हम आज अयोध्या और उसके वैभव का जिक्र ना करें तो शायद ये विश्लेषण अधूरा रह जाएगा। अथर्ववेद में अयोध्या पर एक श्लोक है, हम आपको संस्कृत के श्लोक का हिंदी अर्थ बताएंगे। ये श्लोक कहता है कि अयोध्या वो नगरी है जिसमें 8 चक्र और 9 द्वार है, जहां एक ऐसा स्वर्णिम महल है जिसके प्रकाश के आगे स्वर्ग भी फीका पड़ जाए। और इसलिए राम मंदिर के बाद अब हम आपको अयोध्या और सरयू किनारे से एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि इस दीपोत्सव के लिए अयोध्या किस तरह से तैयार हो रही है। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर दिए लगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि 15 लाख की संख्या में दीपोत्सव के दिन यहाँ दिए जलाए जाएंगे, जिसको लेकर आप देखिए छात्र छात्राएं अलग अलग कॉलेज और विश्वविद्यालय के इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। 23 अक्टूबर को यह पूरा दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप? बनारस से। बनारस से आई हैं दिया जलाने के लिए? हाँ, यहाँ हम पढ़ते हैं ना। अच्छा, अवध यूनिवर्सिटी में। तो कितनी तैयारी हो रही है, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त? यहाँ 17 लाख दिया जलाने हैं और घाट बढ़ गए हैं, वहाँ 5 लाख दिए जलेंगे, यहाँ 16x16 के दिए जल रहे हैं। अच्छा, एक रो में 16x16 कितने दिए हैं एक रो में? 256 दिए। देखिए यहाँ पर आपको एक रो में दिखाई देंगे और इस तरह की कई रो राम की पैड़ी पर बनाए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं अवध यूनिवर्सिटी से। तो कितनी तैयारी है अवध विश्वविद्यालय के? तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पर लगे हुए हैं। 20,000 से ज्यादा के वॉलेंटियर्स इस बार दीपोत्सव में दीपक लगाने से लेकर के दीपक जलाने तक का काम करेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग नया कीर्तिमान इस बार बनाएंगे। नया कीर्तिमान बनेगा, हर साल रिकॉर्ड अपना ही अयोध्या तोड़ता है दीपोत्सव पर दिया जलाने को लेकर। मोदी जी आ रहे हैं, काफी एक्साइटेड हैं। हाँ, तो यहाँ दीपोत्सव पर देखिए तमाम यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो कि अपने काम में लगे हुए हैं। पूरी राम की पैड़ी सजी हुई है और यह तस्वीरें बताती हैं कि कितना ज्यादा उत्साह इस वक्त अयोध्या में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिए कहां से लाए जा रहे हैं अजय जी? यहां जो है पिछले कई सालों से शिकायत थी लोकल हमारे जो बनाते हैं कि लिया नहीं जाता है, तो अब की 80% ये अयोध्या फैजाबाद इसके आसपास के हैं जो यहाँ के स्थानीय कारीगर हैं उनसे लिया जा रहा है। जी जी जी, वो बहुत प्रसन्न है कि उनकी भी कुछ आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो एक साथ 15 लाख दिए जल जाएंगे, पूरा तैयारी है? 15 लाख दिए एक साथ जलेंगे और बनेंगे, सबको बहुत उत्साह। प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, पहली बार ऐसा हो रहा है जब दीपोत्सव में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं, तो कुछ खास तैयारियां आप लोगों की तरफ से? हाँ, इसीलिए तो उस सबका एक तो उत्साह इतना है कि अयोध्या में, और हम लोगों के लिए तो गर्व का क्षण है कि जब वो दिया जलाएंगे और हम लोग जलाएंगे तो उसके साक्षी माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। राम की पैड़ी काफी भव्य दिखाई देगी, काफी खूबसूरत आपको दिखाई देगी। जय सिया राम का एक नारा जो सरयू की तरफ से कैनाल आता है उसके ऊपर लिख दिया गया है, बजरंगबली की तस्वीर बनाई गई है और जो राम की पैड़ी के किनारे मंदिर है उनको हर बार की तरह इस बार भी एक रंग में रंग दिया गया है, ताकि अयोध्या की शान, अयोध्या के रंग दीपोत्सव के साथ साथ दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ पर लेजर शो का भी आयोजन होता है। अयोध्या में सरयू तट पर मौजूद हैं और यहीं सरयू आरती 23 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सरयू आरती में शामिल होंगे, जिसको लेकर यहां तैयारियां काफी तेज कर दी गई हैं। एक मंच यहां पर तैयार किया जा रहा है, आरती के बाद यहां पर आतिशबाजी भी की जाएगी और इस मंच पर पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोग रहेंगे और सरयू किनारे आतिशबाजी होगी।
हमारे साथ यहाँ पर आरती के आयोजक मौजूद हैं। कितनी तैयारी है आपकी तरफ से इस बार सरयू आरती को लेकर जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं? निश्चित रूप से हम सभी अयोध्या वासियों के लिए ऐतिहासिक पल होगा। जैसा कि पूर्व में एक बार जब भगवान रामलला के दिव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ था वो क्षण था, और पुनः दोबारा छठे दीपोत्सव के पावन अवसर पर हम सारे लोग सौभाग्यशाली हैं अयोध्यावासी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी माँ सरजू जी का पूजन अर्चन करेंगे, तो हम लोगों के लिए ये बहुत ऐतिहासिक पल है। जैसा कि आपको भी विदित है, सारे लोगों को विदित है, भगवान राम जिस समय रावण का वध करने के उपरांत अवध लौट कर आए थे तो उनके आगमन की प्रसन्नता में पूरे भारतवर्ष ने या यूं कह लिया जाए पूरे विश्व ने दीपोत्सव मनाया था, देव दीपावली मनाई थी। सरयू आरती में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, सरयू जी की पूजा अर्चना भी करेंगे और आरती के बाद राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। आपने देखा कि अयोध्या अपने राम के स्वागत के लिए और दीपोत्सव के लिए किस तरह तैयार हो रही है, और अब आपको सीधा राम जन्मभूमि परिसर से हमारी एक बेहद खास रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं। आप इस रिपोर्ट को जरूर देखिए क्योंकि रिपोर्ट आपको राम मंदिर की भव्यता का सीधा दर्शन करवाएगी। अपने बेटे के स्वागत में उनकी नगरी दुल्हन सी सज गई है। दसों दिशाओं में मंगल गीत गूंज रहे हैं। हर घर, चौबारा, आंगन प्रफुल्लित है, प्रकाशित है। चौदह वर्ष का वनवास काटकर जब राम कार्तिक अमावस की एक काली अंधेरी रात अपनी अयोध्या वापस लौटे तो वहां लोगों ने घी के इतने दिए जलाए, उनके प्रकाश के सामने स्वर्ग की चमक भी फीकी पड़ गई। राम की अयोध्या वापसी की ये कथा आज भी घर घर दिवाली के रूप में कही जाती है, महसूस की जाती है। राम जन्मभूमि परिसर की एक तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए कितनी तेजी से यहां पर काम चल रहा है। लगभग 45% काम राम मंदिर का पूरा हो चुका है। इस बीच में कोविड का भी संकट आया था, लेकिन उसके बावजूद भी राम मंदिर के निर्माण कार्य में कोई बहुत बाधा सामने नहीं आई। लेकिन अब यहां पर जो निर्माण कार्य की प्रगति है वो काफी जोर पकड़ चुकी है और लगातार यहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चलता जा रहा है। यह पूरा राम जन्मभूमि का परिसर है। जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि राम मंदिर कितना बनकर तैयार हो चुका है। 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद से ही अयोध्या में भव्य जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से जारी है। सबसे पहले गर्भगृह का निर्माण किया जा रहा है जहां रामलला विराजमान होंगे। आप ये जो भगवा झंडा देख रहे हैं, दरअसल यही मूल स्थान है जहां गर्भगृह में रामलला को विराजमान करना है, और पूरा राम मंदिर का निर्माण कार्य तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए गर्भगृह के चारों तरफ काफी लंबी दीवारें, ऊंची दीवारें यहां पर बना दी गई हैं और जिस पर अभी आगे का काम भी चल रहा है। बाकायदा विशेष पत्थरों के जरिए, विशेष तकनीक के जरिए यहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और झंडे के पास में एक छोटा सफेद सा पत्थर भी रखा गया ताकि यह निशान कि यही मूल गर्भगृह है। इसको लेकर एक लंबा संघर्ष चला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य अब चल रहा है। पूरा 70 एकड़ का क्षेत्र है, राम जन्मभूमि का परिसर है, जहां पर अलग अलग मंदिर के निर्माण होने हैं, वैदिक काल के वृक्ष लगने हैं, आश्रम बनने हैं, धर्मशालाएं बननी हैं। इसके अलावा जो मॉडल सामने आया था उसके मुताबिक इस गर्भगृह, इस राम मंदिर के चारों तरफ एक ग्रीन स्पेस होगा जहां श्रद्धालु आकर थोड़ी देर बैठ सकते हैं, राम नाम का ध्यान लगा सकते हैं, उनके लिए भी खास विधाओं का ख्याल रखा जाएगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या के भी निर्माण की पूरी परियोजना यहां पर तैयार हो चुकी है। राम मंदिर निर्माण के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है वो भी कम खास नहीं है। ये पत्थर राजस्थान और देश के कई दूसरे हिस्सों से मंगवाए गए हैं।
जी न्यूज की टीम इस वक्त श्री राम जन्मभूमि परिसर में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहां पर आपको हम राम मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो पत्थर हैं जिनका इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगातार किया जा रहा है। इन पत्थरों पर विशेष नंबरिंग की गई है, मैं जो देख पा रहा हूं यहां पर लिखे गए हैं और इसमें कुछ ब्लॉक बनाए गए हैं जिसके जरिए एक के बाद एक पत्थर जोड़े जा रहे हैं और उससे राम मंदिर का निर्माण कार्य यहां पर चल रहा है। क्योंकि जिस शैली में इस राम मंदिर का निर्माण कार्य होना है उस पर काफी रिसर्च हुआ है और यह मंदिर इतना ऐतिहासिक बनाया जाना है कि इसके मुकाबले दुनिया में कोई और धार्मिक स्थल ना दिखाई दे, इसीलिए खास तकनीक के जरिए विशेषज्ञों की राय लेकर जो पत्थर 1989 से लगातार इकट्ठा किए गए थे उन पत्थरों में जिसके साथ राम भक्तों की भावनाएं जुड़ी हैं उनको साथ लेकर इन पत्थरों के साथ में ही राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण में परंपरा और प्राचीन संस्कृति का समावेश तो है ही, तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मंदिर वक्त पर बन सके इसकी जिम्मेदारी यहां काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों और कर्मचारियों पर है जो दिन रात काम में जुटे हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और यहाँ पर जो मजदूर लगे हुए हैं, जो कारीगर लगे हुए हैं राम मंदिर को बनाने के लिए, उनके अंदर भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये तमाम वो कारीगर मौजूद हैं यहाँ जो राम मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भी है सौभाग्य की बात होगी यहाँ पर। और थोड़ी देर पहले यहाँ नारा भी लगा रहे थे रामचंद्र, देखिए आप इस वक्त देख सकते हैं कैसे रामचंद्र जी की जय के नारे भी लग रहे हैं और ये काफी इनके लिए खास मौका है क्योंकि इनके लिए भी काफी ऐतिहासिक पल होगा। एक ऐसा मेमोरी इनके पास होगा जो अपने परिवार वालों को अपने दोस्तों को बता पाएंगे कि इन्होंने राम मंदिर का निर्माण कार्य किया है, इसलिए इनके अंदर काफी उत्साह भी है। अब राम 500 वर्षों के बाद अपने महल लौट रहे हैं तो उनके स्वागत की तैयारी भी उसी तरह की गई है जैसी तब अयोध्या के वासियों ने उनके वनवास से लौटने पर की थी। मंदिर परिसर में हजारों दिए जलाने की तैयारी है, ऐसे में सिर्फ कारीगर ही नहीं कुम्हार भी अपने हाथ तेजी से चला रहे हैं। चाक पर थिरकती उनकी उंगलियां निरंतर मिट्टी को खूबसूरत आयाम दे रही हैं। ये लोग खुश हैं और इस खुशी की वजह सिर्फ उनके राम की वापसी नहीं उनके कारोबार की पुरानी चमक का लौट आना भी है। अयोध्या दीपोत्सव 2022 में सबसे खास बात यह है कि इस बार जो 18 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे उसमें से लगभग 80% दिए अयोध्या जिले के स्थानीय कुम्हारों से ही खरीदे जा रहे हैं। और इस वक्त हम अयोध्या में ही एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दिया बनाया जा रहा है, अयोध्या दीपोत्सव के लिए दिए तैयार किए जा रहे हैं और यहां के आम कुम्हार हैं। हमारे साथ अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी हैं जो खुद एक एक जगह पर जाकर मुआयना कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं ताकि व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए। सबसे पहले हम यहां के कारीगरों से बात करते हैं, कितने दिए बना लिए इस बार आप लोगों ने? इस बार हम 50,000 बनाए थे भैया। ये 50,000 कहाँ दे रहे हैं? ये राम पैड़ी पे गया 50,000। 50,000 राम की पैड़ी पर। पिछली बार कितना दिया था आपने? पिछली बार 20,000 दिए थे। 20,000। इस बार आपको 30,000 दिए ज्यादा मांगे गए? हाँ। अब तो 2-3 साल जब से आए मोदी जी तब से बहुत आमदनी है। अब तो मोदी जी भी अयोध्या आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरे सबको बहुत स्वागत है, बहुत धन धन भाग। पहली बार दूसरी बार आ रहे हैं अयोध्या में, हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। अयोध्या में दूसरी बार पैर रखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिए बनाए जा रहे हैं बाकायदा और खास बात यही है इस दिवाली की कि 80% दिए जो अयोध्या में जलाए जाएंगे वो यहाँ के स्थानीय कुम्हारों के घरों से ही खरीदे जा रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। आपने देखा कि अयोध्या नगरी सज रही है और 2 दिन के बाद आप अपने घरों में दिए जलाकर दीपावली का त्योहार मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे।